आ गई हूँ किचन में और मैंने अरबी काट कर रखी है। आप देख सकते हैं कि काफी पतली अरबी काटी है और तेल में मैं दे रही हूँ अजवाइन का तड़का और इसमें डाल दी है कटी हुई अरबी। बार बार मैं ढक इसलिए रही हूँ क्योंकि चिमनी की प्लेट्स हमने भिगो कर रखी थी साफ करने के लिए, तो तड़का फैले नहीं इसलिए मैं इसे ढक रही थी। और अरबी को तेल में मिलाने के बाद इस पर कुछ मसाले और नमक डाल दिया है। तो नमक डालने के बाद डाला है लाल मिर्च का पाउडर, हल्दी और धनिया का पाउडर। ये अरबी ऐसे ही बनती है, पतली पतली काट के भुजिए, काफी टेस्टी बनती है। आप लोग भी इस रेसिपी को जरूर ट्राई करिएगा एक बार। और इसे ढक ढक कर गलने तक पका लेते हैं। साथ ही मैं यहाँ पर कर रही हूँ दूसरी सब्जी की तैयारी। तो फ्रिज में बैगन रखे थे, मैंने सोचा आलू बैगन की एक सब्जी बना लेते हैं। और बैगन को मैं काट रही हूँ छोटे छोटे पीसेस में, आलू के साथ मिलाकर ये सब्जी भी काफी टेस्टी बनती है। दोनों सब्जियां मैं सिंपल तरीके से बना रही हूँ और दो बैगन बच गए थे तो मैं उन्हें फ्रिज में डाल रही हूँ। अब काट रही हूँ मैं आलू बैगन के लिए। इसके बाद मैंने गरम कर दिया है तेल और जीरे का तड़का दिया है, साथ ही है प्याज और हरी मिर्च कटी हुई। प्याज को थोड़ा सा लाल कर लेंगे। प्याज में ही डाल दिया है लाल मिर्च का पाउडर, हल्दी और थोड़ा सा धनिया का पाउडर। बहुत हल्का सा भूनेंगे क्योंकि सूखे मसाले हैं, जल सकते हैं। और डाल दिया है आलू बैगन, इसे भी ढककर गलने तक पका लेंगे। ये सब्जी भी काफी टेस्टी बनती है। नमक भी डाल दिया है। और जैसे ही मैं किचन से निकली तो मैंने देखा कि मेरी बहुत ही खास फ्रेंड आई हुई है अपनी फैमिली के साथ, हस्बैंड और बच्चे के साथ, और सब लोग हॉल में बैठे थे। तो मुझे इतनी ज़्यादा खुशी हुई कि मैं बता नहीं सकती। वो काफ़ी दिनों बाद आई थी हमारे घर पे, मैं मनाली गई थी उससे पहले हमारा मिलना हुआ था और वो भी मायके चली गई थी। तो अभी वो स्कूल में छुट्टियों पर हैं, घर पर हैं, तो वो मिलने आई थी हमारे घर। और वो आप देख सकते हैं कि दिया को कितना ज़्यादा प्यार कर रही हैं, वो दिया को बहुत ज़्यादा पसंद करती हैं, बहुत मानती भी हैं दिया को। दिया जब इससे पहले वाले क्लास में थी तो ये क्लास टीचर थी दिया की क्लास की, और दिया की दोनों टीचर से मेरी बहुत अच्छी दोस्ती है। और आप देख सकते हैं मैं लेकर आई हूँ उन लोगों के लिए पानी वगैरह। मैंने घर पे जो पेड़े बनाए थे वो उन लोगों को टेस्ट करने के लिए दिए थे, तो उनको काफी पसंद आए वो पेड़े। और अब आकर मैं भी बैठ गई हूँ साथ में गपशप करने। अच्छा लगा था, काफी दिनों बाद जब फ्रेंड्स आते हैं और फैमिली के साथ आते हैं तो और भी अच्छा लगता है। तो बस अब गपशप करने में लगे हुए हैं। और उनके जो हस्बैंड है, मेरे हस्बैंड से भी उनकी बहुत अच्छी पटती है, तो दोनों जेंट्स और हम दोनों लेडीज काफी टाइम तक बात करते रहे। दिया को भी बहुत अच्छा लगता है जब उसकी मैम आती हैं, क्योंकि मैम तो है ही है, साथ में आंटी भी हैं और मेरी फ्रेंड भी हैं, तो बहुत ही हम लोग का घर जैसा माहौल होता है। कभी ये नहीं लगता कि ये बाहरी लोग हैं और दिया की टीचर हैं। हमेशा जब भी घर में आती हैं तो हम काफ़ी मस्ती करते हैं, साथ में उठते बैठते खाते पीते हैं। और आज भी सब बैठ कर खूब मज़े कर रहे थे। दिया जब पिछले क्लास में थी तो उन्होंने दिया का बहुत ज़्यादा ध्यान भी रखा था, वो दिया को बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। तो मुझे कभी पता ही नहीं चला कि स्कूल में वो दिया अकेले है, इसलिए मैं इनके प्रति बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट में रहती हूँ। और शुरू से इन्होंने ही मुझे और दिया दोनों को इनकरेज किया कि नहीं, दिया में पोटेंशियल है, वो पढ़ने में तेज है, वो फर्स्ट आ सकती है, तो आप उसकी तैयारी कराओ। और पिछले साल इन्हीं के कहने पे मैंने जब दिया की पढ़ाई पर ध्यान देना शुरू किया तो दिया वाकई काफ़ी तेज़ निकली पढ़ाई में, और मुझे भी उसका पता चला कि वो पढ़ने में कितनी तेज़ है, उसके ऊपर ध्यान दिया जाए तो वो काफ़ी आगे बढ़ सकती है। तो इन्हीं की बदौलत आज दिया मेरी टॉप करती है क्लास में, तो इसलिए मैं बहुत ज़्यादा मान करती हूँ इनका और उनकी फैमिली का। और यहाँ पर जैसे ही खाना तैयार हुआ मैंने प्लेट में लगाकर दिया के लिए और उनके बेटे के लिए दे दिया कि दिया तो आज मैम के यहाँ से खाना खाएगी।
वैसे भी जब वो आती हैं तो दिया को अपने हाथों से खाना जरूर खिलाती हैं, तो आप देख सकते हैं दिया उनके हाथ से बहुत मन से खाना खाती है। मेरी भी एक टाइम की फुर्सत हो जाती है कि चलो दिया तुम अपनी मैम के हाथ से खाना खाओ, और दोनों बच्चे बहुत प्रेम से खा रहे थे अपनी मैम के साथ बैठ कर। और यहाँ पर अब साथ में हम दोनों बैठ कर खाना खा रहे हैं, हमारे हस्बैंड भी खा रहे थे, वो सामने वाली चेयर पर थे और हम दोनों इधर साथ में बैठे थे। बहुत मजा आ रहा था साथ में खाना खाने पर, गपशप भी चल रही थी और साथ में हम लोग खाना भी खा रहे थे। हालांकि खाना मैंने बहुत सिंपल बनाया था, कुछ भी नहीं। कल सैटरडे को दिया का पीटीएम भी था और हम लोग गए थे उसके स्कूल में और उसकी क्लास टीचर से मिले थे, और जब दिया के पेपर हमने देखे तो हमें इतनी ज़्यादा खुशी हुई कि मैं बता नहीं सकती। दिया के फुल मार्क्स आए हैं तीनों चारों सब्जेक्ट में, और दिया ने काफ़ी मेहनत भी करी थी, मैंने उसे पढ़ाया भी था तो मेरी मेहनत भी इंक्लूड है इसमें। और जब दिया के नंबर आते हैं तो मुझे बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट होती है जानने की कि दिया के नंबर्स कितने आए हैं। और दिया के सारे सब्जेक्ट में फुल मार्क्स देख कर तो आप लोग समझ सकते हैं कि पेरेंट्स को कितना प्राउड फील होता है। तो हम दोनों को ही ऐसे ही बहुत प्राउड फील हुआ अपनी दिया पर, और दिया के नंबर अच्छे आए तो मैं बहुत ज़्यादा खुश थी। तो मैंने कल कोई ब्लॉग नहीं बनाया था सामने से, तो इसलिए मैं ये बात आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर पाई। पर दोनों मैम इसीलिए दिया की आई थी कि वो लोग दिया को बधाई दे सकें, और दिया के नंबर जानने भी आई थी कि भाई दिया के नंबर कैसे आए हैं। तो बस मैं भी आप लोगों के साथ ये खुशी शेयर करना चाहती थी। और दिया का गिफ्ट ड्यू है हमारी तरफ से, तो हम दिया को कोई ना कोई गिफ्ट जरूर देंगे। क्यों दिया, चाहिए ना? हाँ। गिफ्ट चाहिए, हाँ। कब तो चाहिए। देखते हैं बेटा। तो बस जब दिया के नंबर अच्छे आते हैं तो हम लोग उसको इंकरेज करने के लिए कुछ ना कुछ अच्छा सा गिफ्ट जरूर लेकर देते हैं। तो इस बार भी दिया का गिफ्ट ड्यू है, तो जब लेते हैं तो आप लोगों के साथ शेयर जरूर करूँगी कि हमने दिया को क्या दिया है। तो दिया के हर एग्ज़ाम के बाद एक गिफ्ट पक्का होता है, और क्योंकि दिया के नंबर ही इतने अच्छे आते हैं तो हम बहुत सेटिस्फाइड पेरेंट हैं, और काफ़ी प्राउड भी फील होता है क्योंकि दिया के नंबर अच्छे आते हैं। साथ ही मेरी मेहनत, क्योंकि जब दिया को मैं पढ़ाती हूँ तो मुझे कहीं ना कहीं ये ज़रूर होता है कि दिया के नंबर अच्छे आए, क्योंकि मैं मेहनत बहुत करती हूँ उसके पीछे। तो बस ये बात भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रही थी। रात के 9 बज रहे हैं और डिनर वगैरह हो गया, और डिनर के बाद हमने खाया आम, जो कि बहुत खट्टे निकले, तो इस समय अजीब सा मुँह हो रहा है, यहाँ पर एकदम खट्टा खट्टा सा हो रहा है। कभी कभी आम बहुत ज़्यादा खट्टे निकल जाते हैं, तो खाने के बाद अफसोस होता है कि हम लोग उन्हें खा ही क्यों रहे हैं। लास्ट वाला, हाँ, लास्ट का आम जब एकदम खट्टा निकलता है तो बहुत गुस्सा आता है कि इसी आम को खट्टा निकलना था, और मैंने जैसे ही एक पीस उठाया और यहाँ पे रखा, एक तो ठंडा आम मेरे दांतों में बहुत लगता है और साथ ही खट्टा हो तो वो सोने पे सुहागा होता है, तो मतलब अब लगता है कि मेरी पूरी रात ख़राब जाने वाली है। यहाँ के दांतों में सनसनी चलने लगी है, साथ ही खट्टेपन की वजह से मुझे खट्टा बिल्कुल भी नहीं पसंद, और ना ही मैं बर्दाश्त कर पाती हूँ किसी भी चीज़ का खट्टापन। तो बहुत ज़्यादा मुझे परेशानी होने वाली है अब इस टाइम पे, इसलिए मैं चुपचाप शांति से आकर बैठ गई हूँ अपने कमरे में, और सब हॉल में टीवी देख रहे हैं। बस इस कमरे में मैं हूँ, मेरे हस्बैंड हैं, और वही कॉमेडी अभी चल रही थी कि आम का खट्टापन तुम्हारे हिस्से में क्यों आया, बाकी सबके हिस्से में तो मीठे आम आ गए पर मेरे हिस्से में जो आम थे वो काफ़ी खट्टा था। तो अब शायद आम खाने से पहले मुझे कई बार सोचना पड़ेगा। तो बस ऐसे बहुत अच्छा निकला हमारा आज का दिन, सुबह से बारिश, चाय और पकौड़े, जिम का स्किप करना, जिम खुला था पर हम लोग नहीं गए, जिम को हमने स्किप कर दिया इस क्योंकि बारिश भी थी, और चाय पकोड़े के चक्कर में ये था कि जिम जाएंगे तो आकर बनाएंगे कब, और पता चलता कि जिम जाते और जब तक लौट के आते बारिश ख़त्म हो जाती। तो बस ये सब सोचते सोचते, और फिर मेरी फ्रेंड आ गई दोपहर में, तो वो लोग खाना वगैरह खाए और फिर शाम को 4 बजे गए चाय पीने के बाद, तो मुझे टाइम नहीं मिला बाकी के कुछ वीडियोज़ करने का, तो डिनर रूटीन भी मैं शेयर नहीं कर पाई। हालाँकि मैंने सोचा था कि डिनर भी शेयर करूँगी पर डिनर भी मैं शेयर नहीं कर पाई क्योंकि जब वो लोग खाना खा के घर लेट हो गया था उसके बाद से मैं थोड़ा सो गई, 1.5 घंटे मैं थक गई थी। तो बस सोकर जब उठी तो फिर थोड़ा सा दिया के लिए रेनबो वगैरह का उसका कोई कंपटीशन है उसकी तैयारी करवाई, उसको कलर कराया, और अभी दिया हॉल में बैठ के टीवी देख रही है और मैं यहाँ रूम में हूँ। तो बस अब रात के इतना टाइम हो गया है और फिर सबके सोने का टाइम है, डिनर भी हो गया। आपसे मिलूँगी नेक्स्ट ब्लॉग में, आज का ब्लॉग मैं यही ख़त्म करती हूँ। कल का ब्लॉग मैंने अलग से शेयर नहीं किया था, सैटरडे और संडे का ब्लॉग मैं एक साथ ये पोस्ट करूँगी सारे वीडियोस, क्योंकि कल भी मैं रात में बहुत थक गई थी तो मैंने रात में ब्लॉग की एंडिंग नहीं करी थी, तो आज दोनों ब्लॉग की एंडिंग एक साथ करती हूँ और मिलती हूँ आपसे कल फिर नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।